हमने दादाजी से सीखा है, कोई पोस्टर फाड़े तो अपने दो लगाने हैं। उनकी गुंडागर्दी हमारी ईमानदारी, उनकी अनपढ़ता हमारी शिक्षा। गंदी हो गई है नूरपुर की राजनीति, शर्म आती ऐसी गंदी सोच पर। ये शब्द मीडिया से बातचीत करते हुए कांग्रेस प्रत्याशी अजय महाजन के बेटे अंबर महाजन ने कहे। बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि नूरपुर की राजनीति का स्तर गिर चुका है। उन्होंने कहा कि नूरपुर में इलेक्शन एक तरफा हो चुका है, निसंदेह लोगों का झुकाव कांग्रेस की तरफ है। मीडिया के प्रश्न के जवाब में अंबर महाजन ने कहा कि हमारी जीत का कारण उनकी गुंडागर्दी बनेगी। बातों बातों में अंबर महाजन ने कहा कि हमने दादाजी से सीखा है, अगर कोई आपका एक पोस्ट फाड़ता है तो अपने किसी का फाड़ना नहीं, बल्कि फटे हुए पोस्टर के स्थान पर अपने दो पोस्टर लगाने हैं। गौरतलब है कि अंबर महाजन कांग्रेस के वरिष्ठ नेता स्वर्गीय श्री सत महाजन के पुत्र व अजय महाजन के पुत्र है तथा इस बार के चुनाव में अपने पिता अजय महाजन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। का चुनाव जो है कौन सी दिशा में जा रहे हैं? देखो, पहले तो मैं अपने साथियों का धन्यवाद देना चाहूंगा जो मेरे साथ सुबह से चले हुए हैं। ये सारा प्यार जो मिला मैं उसके लिए भी धन्यवाद कर देता हूँ। जो इलेक्शन है वो एक तरफा हो चुका है, सारा झुकाव कांग्रेस पार्टी और अजय महाजन की तरफ हो चुका है और उसका एक ही रीजन है, उनकी गुंडागर्दी, हमारी ईमानदारी, हमारी एजुकेशन, उनकी अनपढ़ता। दैट्स इट। हाल अभी आपने कहा ना, ये मतलब हमने कितने चुनाव लड़े हैं यहाँ से। हमको हमेशा यही सिखाया जाता था, मेरे दादाजी, मेरे पिताजी, अगर आपका कोई पोस्टर फाड़ता है तो आपने दो लगाने पर किसी का फाड़ना नहीं। इनफैक्ट पठानिया जी भी जब यहाँ थे उनके बंदों ने भी आज तक कोई पोस्टर नहीं फाड़ा, वो इज्जत की राजनीति करते थे, उनसे उनके साथ लड़ाई करने में मजा आता था, एक औहदेदार लड़ाई होती थी। तो ये तो राजनीति का स्तर ही उन्होंने बहुत घटिया कर दिया। मतलब शर्म आ रही है हमारे सब बंदे जो बात करते हैं उनकी, तो शर्म पर हमारे बंदे इतने अच्छे हैं। अभी हर बंदे ने अपने दिल पे, जो बंदा रात को पोस्टर लगाता है, झंडे लगाता है, बड़ी दिल से लगाता है, जब भटे हुए देखते हैं इनका भी मन करता है हम फाड़े, पर हमने इंस्ट्रक्शन दी है आपने हाथ नहीं लगाना और ये बिल्कुल हाथ नहीं लगाएंगे। कोई अपील जनता के लिए? वोट फॉर एजुकेशन, वोट फॉर ओपीएस और एक अच्छे आदमी को लाओ और ऐसी गुंडागर्दी से दूर रहो। थैंक यू।